उद्धव के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू। आज दोपहर 3:30 बजे उद्धव पवार की बैठक। 6 मंत्रियों से ज्यादा ले सकते हैं शपथ। अखिलेश केजरीवाल, ममता को दिया जाएगा न्योता। राहुल गांधी नहीं होंगे शामिल। शरद पवार कर रहे हैं लिस्ट फाइनल। संजय राउत का बयान, अमित शाह और मोदी को भी भेजा जाएगा न्योता। महाराष्ट्र के विकास के लिए केंद्र का सहयोग है जरूरी। अजीत पवार ने एनसीपी के रिश्तों को लेकर दी सफाई। कहा, एनसीपी के साथ था और हमेशा रहूंगा। पार्टी का हर फैसला मंजूर। फडणवीस ने अजीत पवार से हाथ मिलाने को लेकर साधी चुप्पी। बोले, सही वक्त आने पर दूंगा जवाब। 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे उद्धव। पुलिस के बड़े अधिकारी मिले उद्धव से। मुंबई के शिवाजी पार्क में होगा उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण समारोह। 28 नवंबर की शाम 6:40 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उद्धव। उद्धव ठाकरे के साथ कल 6 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। इनमें एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, बालासाहेब थोराट, अशोक चव्हाण के नाम शामिल। शिवाजी पार्क पहुंचे बीएमसी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। शिवाजी की प्रतिमा बाला साहेब के मेमोरियल के पास ही बनेगा मंच। 3 दिसंबर तक उद्धव ठाकरे को सिद्ध करना होगा अपना बहुमत। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस विधायकों के समर्थन की वजह से अड़चन की आशंका नहीं। महाराष्ट्र में राजनीतिक खींचतान के बाद राजभवन पहुंचे उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले ठाकरे। करीब 45 मिनट शिष्टाचार की मुलाकात। साथ में पत्नी भी थी मौजूद। सभी विधायकों को प्रोटेम स्पीकर कालिदास कुलंबकर ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिली विधायक की शपथ। अजीत पवार विधायकों के साथ आए नजर, बदला दिखा अंदाज। संजय राउत ने कहा, अजीत पवार की होगी बड़ी भूमिका, बड़ा काम करके आए। विधानसभा पहुंचे बड़े भाई अजीत पवार का। सुप्रिया सुले ने किया स्वागत, गले मिली खिंचवाई तस्वीर। विधानसभा पहुंचे फडणवीस का भी। सुप्रिया सुले ने किया स्वागत, हाथ जोड़कर किया अभिवादन। फडणवीस ने अभिवादन का दिया जवाब। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे का सुप्रिया सुले ने किया स्वागत, गले लगाया। आदित्य ठाकरे पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर, शपथ ग्रहण से पहले की पूजा अर्चना। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के बीच आज डिप्टी सीएम और स्पीकर के पद का होगा मामला तय। नामों का हो सकता है ऐलान। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उद्धव ने शरद पवार के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। होटल ट्राइडेंट में बैठक के दौरान शरद पवार समेत मौजूद रहे तीनों दलों के दिग्गज। एक दूसरे पर जताया भरोसा। कहा, पूरे 5 साल चलेगी हमारी सरकार। उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी ने तोड़ी 30 साल पुरानी दोस्ती। नहीं किया शिवसेना पर भरोसा, फिर भी मोटा भाई से मिलने जाऊंगा दिल्ली। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 3-व्हीलर सरकार की स्थिरता पर हमें शक। बीजेपी प्रभावी विपक्ष का करेगी काम, बुलंद करेगी जनता की आवाज। शरद पवार के घर जुट रहे हैं कांग्रेस के नेता अहमद पटेल, पृथ्वीराज चव्हाण। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच जंग। कहा, वो भूल गए कि यह कश्मीर नहीं पश्चिम बंगाल है। राज्यपाल के भाषण खत्म कर जाते समय डीएमसी विधायकों ने लगाया जय बंगाल का नारा। राज्यपाल ने इसे शर्मनाक कहा। बाराबंकी में किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए एक बैंक में अमिताभ बच्चन के नाम का मिला खाता। जांच में पता चला कि अमिताभ फिल्म वाले नहीं, कोई और है। अमिताभ ने पत्नी ने बताया, 3 साल में सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। इससे पहले खाता फर्जी मानकर वापस लौटा दी गई थी किसान सम्मान की किस्त। मुरादाबाद में बोरवेल में गिरकर मिट्टी में दबे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 2 घंटे का लगा समय। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में थाने का किया औचक निरीक्षण। दारोगा से किया सवाल, 2017 के मामला अभी तक पेंडिंग क्यों। रात 11:30 बजे थाने में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लंबित केसों पर लगाई जमकर क्लास। आपका सबसे पुराना मुकदमा कौन सा इन्वेस्टिगेशन है? यहाँ होगा 2015 का भी सीएम ने कहा, सभी पुराने केस का समय से हिसाब से करो बंटवारा। उनके निपटारे की समय सीमा तय कीजिए। एफएसएल लैब पर भी उठाए सवाल। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करने पहुंचे थे सीएम योगी। अफसरों को डांटा, कहा औपचारिकता मत कीजिए। तिहाड़ जेल में बंद पी चिदम्बरम से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। आईएनएक्स मीडिया के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं चिदम्बरम। चिदम्बरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आईएनएक्स मीडिया केस में जमानत खारिज होने पर हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। ईडी ने हलफनामे के जरिए दिए जवाब में पी चिदम्बरम की जमानत याचिका का किया विरोध। गवाहों को प्रभावित करने की दी दलील। जम्मू कश्मीर में पाबंदी से जुड़ी याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। अदालत ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका नहीं देगी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से। कल लखनऊ में फैसला।
विधायक अदित्य सिंह की सदस्यता समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने भेजा नोटिस। रायबरेली से विधायक हैं अदित्य। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, कच्ची कॉलोनियों के लिए उनकी सरकार ने किया बड़ा काम। केजरीवाल ने कहा, अगर बीजेपी को कच्ची कॉलोनियों से प्यार तो 3 दिन के अंदर लोगों को दी जाए रजिस्ट्री। इसरो की एक और लंबी छलांग, सैन्य उपग्रह कार्टोसैट 3 का सफल प्रक्षेपण। दुश्मनों पर नजर रखेगा सैटेलाइट, जरूरत पड़ने पर इस सैटेलाइट की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक भी हम कर पाएंगे। कोडरमा में आरजेडी प्रत्याशी सुभाष यादव का नामांकन रद्द, वैकल्पिक उम्मीदवार अमिताभ कुमार नामांकन होल्ड रखे जाने पर कार्यकर्ताओं में गुस्सा। खरगोन में माइक्रो परियोजना के अधिकारी पर मंत्री विजय लक्ष्मी का फूटा गुस्सा, कहा परियोजना पूरी होने से पहले टूट रहे हैं पाइप, मुख्यमंत्री से करूंगी शिकायत। लखनऊ में अवैध शराब की तस्करी का पर्दाफाश, एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। प्रयागराज में जौहरी की दुकान में चोरी, शटर तोड़कर चोर उठा ले गए तिजोरी। धौलपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से बस की टक्कर, 3 यात्रियों की मौत, 11 घायल। 21 नवंबर को अयोध्या से निकली श्रीराम की बारात देर रात मधुबनी पहुंची, श्रद्धालुओं ने किया भव्य स्वागत। 28 नवंबर को नेपाल में श्रीराम की ससुराल जनकपुर पहुंचेगी बारात, बारात के साथ साधु संतों की टोली। समाजसेवी बिंदु अम्मिनी के साथ सबरीमाला मंदिर जाने के लिए निकली तृप्ति देसाई पर कोच्ची में हमला, मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल। हमले के बाद तृप्ति ने बदली सबरीमाला मंदिर जाने की योजना, पुणे वापस लौटी, कर्नाटक सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में देंगी याचिका। केरल सरकार के मंत्री सुरेंद्रन ने तृप्ति देसाई और बिंदु की यात्रा को बताया साजिश, शांति भंग करना यात्रा का उद्देश्य बताया। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर आज देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे छात्र, कनॉट प्लेस पर शाम 4 बजे बनाएंगे मानव श्रृंखला। जेएनयू के छात्रों ने बड़ी फीस वापस लेने की मांग के साथ पुलिस के बल प्रयोग की जांच कमेटी की मांग की, हाईकोर्ट की निगरानी में चाहते हैं जांच। जेएनयू में फीस विवाद के निपटारे को लेकर गठित कमेटी ने सभी छात्रों के लिए फीस कम करने की सिफारिश की, यूटिलिटी और सर्विस चार्ज में दिया कमी का सुझाव। कमेटी ने सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 50% सर्विस चार्ज कम करने का दिया सुझाव, इसे 2000 से घटाकर 1000 करने को कहा। कमेटी ने जेएनयू में बीपीएल श्रेणी के छात्रों को 75% छूट देने का सुझाव दिया, 2000 रुपये की जगह सिर्फ 500 रुपये करने को कहा। जनवरी 2020 से लागू किया जा सकता है संशोधित कार्यक्रम। यूपी के महाराजगंज में प्रॉपर्टी डीलरों ने किसान को सरेआम चौराहे पर चप्पल से पीटा, पिटाई के बाद प्रॉपर्टी डीलर किसान को कार से अगवा करके ले गए, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। यूपी की बरेली पुलिस ने पलक झपकते ही बाइक चुराने वाली बंटी और बबली की जोड़ी को गिरफ्तार किया, 10 बाइक बरामद की। लव मैरिज के बाद अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए जोड़ी कर रही थी चोरी। लखनऊ में ADS ने जाली नोटों की खेप के साथ 3 को गिरफ्तार किया, 1,79,000 की जाली करेंसी बरामद। आगरा में भीड़ तंत्र की हिंसा का शिकार हुए 2 युवक, पोल से बांधकर पिटाई, एक महिला से मिलने पहुंचे थे दोनों लोगों ने बांधकर सर मुड़वा दिया, पुलिस ने पीड़ितों को छुड़ाया, केस दर्ज। राजकोट में मंडी में बड़ी प्याज की आवक, महंगी प्याज मिलती देख किसान यहां पहुंच रहे हैं, थोक मंडी में 45 से 55 रुपये बिक रही है प्याज। राजौरी में किंग्स 11 राजौरी ने जीता क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल, पुंछ रॉयल्स को हराया। पेयजल संकट से जूझ रहा है झारखंड का पलामू, सभी जिलों के लगभग सभी गांवों में पीने के पानी की कमी। जिले के निहाल विहार में नाइजीरियाई मूल के 2 गुटों में मारपीट, 2 लोग घायल, पुलिस ने दर्ज किया केस। हैदराबाद पुलिस ने काले हिरण का मांस बेच रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 3,000 रुपये किलो बिक रहा था मांस। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक जिंदा हिरण को बरामद किया, बोतल से पिलाया दूध। त्रिपुरा पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार, नशे की 10,000 गोलियां बरामद। अंबाला में प्रताप इंडस्ट्रीज में आग लगी, लाखों का नुकसान हुआ। शिमला में फिर होगी बर्फबारी और बारिश, मौसम विभाग ने जताई संभावना। बारिश की वजह से लुढ़का पारा, टूरिस्ट कर रहे हैं पहली बर्फबारी का इंतजार। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, निचले इलाकों में जबरदस्त बारिश। गंगोत्री में रूई की तरह आसमान से बरसी बर्फ, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचा। उत्तराखंड के उखीमठ हर्षिल धराली में जमकर बर्फबारी, लुढ़का पारा। हिमाचल के नरकांडा में भारी बर्फबारी, सड़कों से लेकर घरों तक बर्फ की सफेद चादर। रोहतांग में शुरू हुई बर्फबारी, स्केटिंग करने नजर आए लोग। उत्तरकाशी में मौसम ने ली करवट, गंगोत्री यमुनोत्री समेत कई इलाकों में बर्फबारी।
केदारनाथ में भारी बर्फबारी, पुनर्निर्माण का काम हुआ ठप। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, भारी बर्फबारी में फंस गई गाड़ियां। मुंबई हमले की बरसी पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा, अमेरिका के वॉशिंगटन में निकाला गया मार्च। लंदन की सड़कों में पाकिस्तान के खिलाफ उतरे लोग, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर निशाना। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर पाकिस्तान का विरोध। पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा पर पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल, इमरान सरकार में कानून मंत्री ने दिया इस्तीफा। बाजवा ने 3 साल का बढ़ाया था अपना कार्यकाल, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। अलीगढ़ में लेखपाल पर करोड़ों रुपए के जमीन घोटाले का आरोप, घूस लेकर सरकारी जमीन का किया आवंटन, कैमरे पर कैद तस्वीरें। यूपी के एनकाउंटर पुलिस से बदमाश बेखौफ, गाजियाबाद के लोनी में एक दुकानदार से लूटपाट की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुए। हैदराबाद पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को पकड़ा, 4 किलो ड्रग्स सीज। यूपी के सिद्धार्थनगर में प्राथमिक विद्यालय में पिछले 10 साल से शौचालय नहीं, जबकि ये बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का गृह जनपद। अलीगढ़ में युवक ने घर में घुसकर एक लड़की की हत्या की, एक तरफा प्यार का मामला। यूपी के संत कबीर नगर में जमीन विवाद में मारपीट, एक बुजुर्ग की गई जान। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने दुकानदार को सरेआम पीटा, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज। सीहोर में लड़की ने रिश्तेदार पर लगाया गंभीर आरोप, डरा धमका कर 23 सालों से कर रहा था दरिंदगी। लखनऊ में होमगार्ड विभाग का घोटाले का आरोपी गिरफ्तार, दूसरे ने अदालत में किया सरेंडर। बेगूसराय में बदमाशों ने 2 वारदात को अंजाम दिया, शिक्षिका से लूटे 4 लाख रुपए, डीएम ऑफिस के बाहर 4 लाख रुपए की चोरी की।